नौजवान एकम है एक पासे संजय ते दूजे पासे एकम और पॉइंट इस वेले याफी दे हिस्से जुड़ता होया पॉइंट इस वेले इंडिया दी टीम दे हिस्से जुड़ता होया संदीप सिंह इंडिया तरफों अगली कबड्डी पाउण दे लई वादा होया। संदीप मैदान दे विच इंडिया दी टीम दा खिडारी इस समय बहुत वधिया आत्मविश्वास दे नाल कबड्डी पाउंदा होया भारत की टीम का यह बेहतरीन खिडारी है और बेहतरीन इस नौजवान का इस समय देखते हुए अटैक कि पट्टा उत्ते मोर पहला पाते डौलिया वटते हैं शेर कूरिया लाओ डौलिया के उपर बहुत वधिया सुंदर जिहे टैटू खणवाए हुए आपका खिडारी भारत की टीम का एक होर नंबर अपनी टीम के वास्ते जोड़ता होया। आओ अगली कबड्डी किरण पाउण दे लई नेपाल की टीम का यह नौजवान बहुत वधिया इस समय बोलिया होया इस नौजवान का तावा और तावे नूं किहड़ा खिडारी भारत का ठल पाउण की कोशिश करता है आओ तजर्बे की गल आओ पई हुई कबड्डी मैदान दे विच किरण नेपाल की टीम का और दूसरे पासे जगदीप सिंह भारत की टीम का बहुत वधिया कोशिश करता होया पॉइंट जो है इस समय नेपाल दे हिस्से। लो दूजे पासे फिर संदीप सिंह जाणा पहचाणा ना है मां खेड कबड्डी का संदीप सिंह इस वेले वेखदा भी इंडिया की टीम तरफों कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया भारी जिहा शरीर है इस नौजवान का इस वेले वेखदा भी पई हुई कबड्डी संदीप सिंह की नौजवान कबड्डी पाउंदा होया उधर मुकाबला जिहड़ा सख्त हो चुका इस वेले दोनों खिडारियों का मुकाबला और पॉइंट इस वेले संदीप दे हिस्से पॉइंट इंडिया की टीम के हिस्से जुड़ता होया और दूसरे पासे फिर अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया ये नौजवान मनोज चार जाफी ने इंडिया की टीम दे हुण चार जाफी ब्योंदबंदी करते हैं और एकम दे नाल फिर मुकाबला होया एकम बहुत ही वधिया जाफी है इंडिया की टीम का वेखदा भी वड्डियां आसां ने इस खिडारी तो भी आने वाले समय दे विच और उधर लग्या होया जफा इस वेले वेखदा भी एकम का और अफिशियल साहबान की फैसला देंदे ने ये समा दसेगा और दर्शक वीर स्वाद लै रहे ने इस वेले चलते हुए मैच का और नाल ही माइक ते आउणगे मखण अली जी। बहुत वधिया एकमजीत का जफा है इंडिया की टीम के इस खिडारी का और इंडिया वालों अगली कबड्डी पाउण दे लई गुरलाल सिंह मैदान दे विच बहुत वधिया कि नंगे पिंडे च जवानी चमकदी जिवें चमकदा सोना सुनियार दे लाओ नंगे पिंडे दे विच जवानी चमकदी हुई और मैदान दे विच इंडिया दे गुरलाल दी पई हुई रेड इस समय दर्शक वीरां दीआं जुड़ियां हुई निगाहां और नेपाल की टीम का बहुत वधिया जाफी इस समय कोशिश करता होया अनिश बिल्कुल ऐन हंध्या दे लागे मुकाबला ते पॉइंट इंडिया दा पॉइंट गुरलाल दा लाओ अगली कबड्डी नेपाल वालों फिर मैदान दे विच पई हुई लो नवल अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया नेपाल दा ये खिडारी और आने वाले समय दे विच नेपाल दी टीम तो भी वड्डियां आसां ने भी देखो पहली बार इस बार ये नौजवान खिडारी ने जिहड़े भारत की धरती ते खेडण आए ने इंडिया दी धरती ते खेडण आए ने और उधर वेखदा भी मंगत सिंह मंगी पिछले साल का यह नौजवान बेस्ट जाफी रहा स्वराज ट्रैक्टर जेतू रहा यह नौजवान खिडारी आ इस साल वेखदा भी मखण अली जी भी किहड़े दो खिडारी होणगे भागां वाले जो प्रीत ट्रैक्टर जितने बेस्ट रेडर ते बेस्ट जाफी बनणगे मंगत सिंह बहुत तजर्बेकार खिडारी जिस खिडारी ने इस वेले इंडिया की टीम के लिए जफा लाया लो सुखवीर सिंह अगली कबड्डी पाउण दे लई वाधा होया वखरा अंदाज है इस खिडारी का लो थोड़ा झुकया इस वेले वेखदा भी नेपाल के खिडारी भी सोचते होणगे भी आपां इहनूं कित्थों डकीए और सुखवीर वेखदा भी इस वेले थोड़ा हसदा है नौजवान और दूजे पासे नेपाल के खिडारी की बहुत सोहनी कोशिश और पॉइंट इस वेले रेडर के हिस्से अनीश तो पॉइंट प्राप्त किया है सुखवीर सिंह इंडिया की टीम के खिडारी ने लो इस वेले हाफ टाइम जो हो चुका है चलते हुए मैच हाफ समा इस मैच का नेपाल के 10 इंडिया के 32 नंबर हाफ समा 10-32 का मुकाबला हाफ समय का यह स्कोर है स्कोर बेशक ज़्यादा अंतर है पर यह नौजवान बहुत वधिया जीदारी दे नाल नेपाल के खिडारी जो है इस समय प्रदर्शन करते हुए 10-32 का नज़ारा है देश भगत स्टेडियम टुड्डी के मोगा बड़ा ये सुंदर बनया हुआ स्टेडियम और कबड्डी के प्रेमी दर्शक वीर जुड़े हुए इस खेड मैदान के नाल और दूसरा हाफ शुरू होने जा रहा है इस समय मैदान दे विच और कबड्डी इंडिया के हिस्से हरदविंदर सिंह दुल्ला इंडिया की टीम का ये टॉप का खिडारी इस समय कबड्डी पाउंदा होया सो हाफ समय तक 10-32 का अंकड़ा सीगा सो इस समय इंडिया वालों पै चुकी कबड्डी मैदान दे विच हरदविंदर सिंह दुल्ले दी लो सामने दुल्ले की पाई हुई रेड और नेपाल का जाफी इस समय पूरी कोशिश करता होया और सामने ये पॉइंट जिहड़ा इंडिया की टीम के हिस्से हरदविंदरजीत सिंह दुल्ला लखां जिहा पॉइंट जोड़ता होया और दूसरे पासे किरण नेपाल की टीम का एक खिडारी इस समय वध के बोलता होया तावा
सामने चार जाफी एक पासे वेख रहे हैं भी हल्का जा मुकाबला एक करके निंदी दे नाल किरण पॉइंट नेपाल दी टीम दे हिस्से लखा जिहा पॉइंट जोड़दा आया। सामने गुलजार सिंह इस समय कबड्डी पाउण दे लई वादा होया जद एशिया कबड्डी कप होया ये नौजवान ने भारतीय टीम की कप्तानी भी की है और सामने गुलजार इस समय बोलता होया तावा और हल्का जा फुल वर्गा टच करके वापस भजन की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पासे नेपाल का बहुत ही तगड़ा जाफी जफा नहीं ला सकया और पॉइंट गुलजार इंडिया की टीम के हिस्से लखा जिहा पॉइंट जोड़ता होया। मनोज नेपाल की टीम का एक खिलाड़ी अगली कबड्डी पाने लिए बच चुके हैं। सामने इंडिया के चार टॉप के जाफी ने और मैं वेख रहा भी एक पासे सिकंदर कांजली नाल नरेंद्र सिंह निंदी है नाम इस गबरू का और सामने हो चुका मुकाबला और ये पलवान कालमा की धरती का गुरविंदर सिंह नाम है इस गबरू का और पॉइंट जिहड़ा इंडिया की टीम के हिस्से ये लखा जिहा पॉइंट जुड़ता होया। मक्खन अली जी अगली गल तुहाडे नाल सांझी करनगे। इंडिया की टीम का संदीप सिंह मैदान दे विच इस समय कबड्डी पाउण दे वास्ते बहुत वधिया अंदाज इस खिडारी का और बहुत वधिया जीदारी दे नाल पई हुई कबड्डी भारत वल्लों और नेपाल के चार खिडारियों ने व्यूंत बनाई हुई योजना बनाई हुई और बहुत वधिया डकण की कोशिश पर संदीप भारत का खिडारी एक होर नंबर अपनी टीम के वास्ते जोड़ता होया बहुत वधिया सुंदर जिहा नंबर जो है इस समय नेपाल 11 इंडिया 36 नंबर ने लाओ सैकंड हाफ चलता होया इस मैच का और मैदान दे विच नवल नेपाल की टीम का खिडारी और सिकंदर इंडिया की टीम का बहुत वधिया जफा लाने की मैदान दे विच कोशिश करता होया सिकंदर सिंह इंडिया की टीम का बेहतरीन जाफी और नवल नेपाल वाला इस समय रेड पाँदा होया और सिकंदर सिंह बहुत वधिया जफा लाने की मैदान दे विच कोशिश करता होया। 30 सैकंड तक जद्दोजहद चलेगी और देखते भी समय की फैसला करेगा सो पॉइंट इंडिया का या कि नेपाल का लाओ पॉइंट इंडिया का पॉइंट सिकंदर अपनी टीम के वास्ते जुड़ता होया। सो अगली कबड्डी गुर एक खीरां वाली की धरती का गगनदीप सिंह गग्गी नाम है इस गबरू का सो गग्गी कबड्डी पाउण दे लई वध चुके हैं इंडिया की टीम का एक खिडारी और सामने नेपाल की टीम के चार जाफी बिल्कुल पूरी तैयारी दे विच ने। लो सामने हल्का जा मुकाबला एक पासे चक्की दे पुड़ा वर्गी छाती इस नौजवान की थब्बे थब्बे का पट सांभिया शरीर गगनदीप इंडिया की टीम का ये धावी पॉइंट लैके वापस मुड़ता होया। नेपाल दे वल्लों रवि ने इस समय बोलिया धावा सामने इंडिया दे पॉइंटां दी गल करिए अंकड़ियां दी ते 38 पॉइंट इंदी इंडिया नेपाल दे पॉइंट ने 11 लाओ सामने हो चुक्या मुकाबला इस समय सख्त खेड मैदान दे अंदर एक पासे इंडिया दा टॉप दा जाफी जफा ला के अंक इंडिया दी टीम दे हिस्से ये लखां जिहा पॉइंट जोड़दा होया। अगली कबड्डी मेरी वीरियो भारतीय टीम दा कप्तान है गबरू सुखबीर सिंह सुखी कबड्डी पाउण दे लई वादा होया और सामने टंग कछा उत्तां नौजवान हल्का जा झुक गया है और हल्का जा मुकाबला करके वापस अपने पाले मुड़दा होया। सुखबीर सरामा अपनी टीम के हिस्से ये लखां जिहा पॉइंट जोड़ चुके हैं। सामने किरण नेपाल दे तरफों मेरी वीरियो अगली कबड्डी पाउण दे लई वादा और सामने एक पासे एकम और नाल नरेंद्र सिंह निंदी दे नाल मुकाबला करके वापस किरण नेपाल की टीम के हिस्से ये लखां जिहा पॉइंट जोड़ चुके हैं। सामने हरदविंदरजीत सिंह दुल्ला नाम है इस गबरू का भारतीय टीम का उप कप्तान भी है गबरू लो सामने डौले उपर बबर शेर खंदवाया है कि सामने चार जाफी नेपाल की टीम दे वेखदा भी किहड़ा नौजवान दो हाथ इस गबरू ना करेगा लो बड़ी दूर तो खुच पट्टी है और इशारा ऑफिशियल का कि ये पॉइंट जिहड़ा है भारतीय टीम का इंडिया की टीम के हिस्से हरदविंदरजीत सिंह दुल्ला अगला पॉइंट जोड़ता होया। सो अगली रेड नेपाल दी तरफों रामसर रामशरण नाम है इस खिडारी का नेपाल दी टीम का ये नौजवान और एकमजीत सिंह इंडिया दी टीम का फिर बहुत वधिया अपने अंदाज दे विच जफा लाने की पूरी कोशिश करता होया जदों जहद चलती हुई आओ समा की फैसला करेगा बहुत वधिया मुकाबला दो खिडारियों के दरमियान ये गभरू पुत मामा छीणियां दे लगदा कोई नहीं किसी तो घट देखो कोई घट नहीं आपो अपने देश दे वास्ते अंक जोड़न की कोशिश करते हुए नेपाल का नौजवान और दूसरे पासे भारत का एकमजीत सिंह बहुत वधिया पॉइंट इंडिया के लिए भारत के लिए जोड़ता होया नेपाल 12
इंडिया 42 और गुलजार सिंह मैदान के विच इंडिया की टीम का गुलजारी के नाम के नाल मशहूर इस समय तेज तरार दुनिया के खेल खिडारियों के विच इस नौजवान का नाम और तेज तरार खिडारी बहुत वधिया गुलजार सिंह इंडिया की टीम का और नेपाल की टीम का देखते भी राजन बहुत ही वधिया कोशिश करता होया मैदान के विच पॉइंट गुलजार सिंह का पॉइंट इंडिया का आओ अगली कबड्डी मैदान के विच पाउण दे लई किरण नौजवान भरमे जूसेवाल बहुत वधिया इस नौजवान का कहिंदे वी खुला डुला शरीर है और पई हुई कबड्डी मैदान के विच नेपाल वालों और बहुत वधिया पॉइंट अपनी टीम के वास्ते जुड़ता होया बसंत सिंह लाओ सामने अगली कबड्डी संदीप इंडिया की टीम के वलों पाउण दे लई वादा होया सामने चार बली मामा दे शेर पुत खड़े ने कि जिदा खाइए वो गुण गाइए पला नहीं छड़ी दा असी देन नहीं दे सकते यारो मां खेड कबड्डी का सो कबड्डी जिहड़ी कखां दी सी अज लखां तो फिर करोड़ां दे विच पुज चुकी है लाओ संदीप इंडिया की टीम के हिस्से ए पॉइंट जोड़ चुके हैं अगली कबड्डी नेपाल की तरफों नवल पतला पतंग जा गबरू लाओ छांटिया शरीर चार जाफी इंडिया की टीम दे एक पासे नरेंद्र सिंह निंदी है नाम और नरेंद्र सिंह निंदी दे नाल मुकाबला मेरे वीरियो सख्त हो चुके है खुच पट्टी है और सामने लगता होया जफा खेड मैदान दे अंदर 30 सकिंटां दी रेड और वेखदा भी समय दीआं बातां हो गईआं भी ये पॉइंट जिहड़ा इंडिया की टीम के हिस्से जुड़ेगा जां नेपाल की टीम के हिस्से जुड़ेगा नरेंद्र सिंह निंदी इंडिया की टीम का बहुत ही बेहतरीन जाफी आए समय जफा ला के पॉइंट इंडिया की टीम के हिस्से एक अंक का होर वाधा करता होया सो अगली कबड्डी गगनदीप गगी इंडिया की टीम का खिडारी डौले उपर बबर शेर घूरियां वट रहे हैं कि डौले उत्ते देखो किदा शेर खंदवाए है आओ तकड़े जो जाफी देखो किदा मूहरे लाए है चार जाफी ने नेपाल की टीम दे और वेख रहे भी इंडिया की टीम का गगनदीप गगी आए समय हल्का जा टच करके केवल दे नाल पॉइंट इंडिया की टीम के हिस्से लखां जिहा पॉइंट जोड़ता होया अंकड़े चेंज हो चुके ने नेपाल 13 इंडिया दे 46 पॉइंट हो चुके है मनोज नेपाल दी टीम दा खिडारी अगली कबड्डी पाउण दे लई वध चुके है सामने हल्का जा मुकाबला करके वापस मुड़दा होया और उंगली खड़ी कीती है और सामने भारतीय टीम दा कप्तान सुखबीर सरामा पोले पोले पब तरदा जांदा है सामने टंग्या कछा उतां हल्का चुक गया है हल्के हल्के पब कदे खब्बी कनी लाओ सामने हल्का जा टच करके भारतीय टीम का कप्तान सुखबीर सिंह सुखी आए समय पॉइंट इंडिया की टीम के हिस्से जोड़ता होया किरण नेपाल की टीम के वलों अगली कबड्डी पा रहे है वक्रा हेयर स्टाइल इस दे बालों का और सामने हो चुकया मुकाबला सख्त और सिकंदर मेरे वीरियो इंडिया की टीम का बेहतरीन जाफी है और किरण दर्शक वीर ऐन ताड़ियां मारते हैं और पॉइंट जिहड़ा नेपाल दे टीम दे हिस्से जुड़दा होया हरदविंदरजीत सिंह जी दुल्ला अगली कबड्डी पाउण दे लई वध चुके है माइक ते आउणगे मक्खन अली जी लगे शेर वेले विच मुकदा खुला कर दे हुण मैदान गभरू लगा कौडी पाउण जो इहनूं जाणे कुल जहान दुनिया जाणदी है दुल्ले नूं सो इस समय दविंदरजीत सिंह मैदान दे विच इंडिया दे वास्ते एक होर नंबर जुड़दा होया भारत दे लई एक होर नंबर जुड़दा होया हरदविंदरजीत सिंह दुल्ला इंडिया दी टीम दा टॉप दा खिडारी लाओ मैदान दे विच नेपाल वल्लों फिर पई हुई कबड्डी राम शरण नाम है इस खिडारी दा इंडिया नेपाल दे दरम्यान चलदा होया ये मुकाबला एकमजीत सिंह इंडिया दी टीम दा इस समय जफा लाउण दी पूरी कोशिश करदा होया पर साडे ऑफिशियल साहिबान इशारा करदे होए अगली कबड्डी मैदान दे विच गुलजार सिंह तेज तरार खिडारी गुलजारी इस समय इंडिया की टीम का ये नौजवान बहुत वधिया पई हुई कबड्डी मैदान दे विच नेपाल 16 और इंडिया 48 अंकों के नाल जो है इस समय खेडदियां हुई दो टीम मैदान दे विच और बहुत वधिया अनिश बहुत वधिया जफा लाने की कोशिश करता होया पर गुलजार सिंह इंडिया की टीम का बहुत तेज तरार खिडारी एक होर नंबर का वाधा करता होया अपनी टीम के वास्ते हाफ टाइम तो बाद ये वाटर ब्रेक नेपाल दे 16 इंडिया दे 49 नंबर नेपाल 16 इंडिया 49